हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केवल चौहान। मेल टू फीमेल सेक्सुअली असाइनमेंट सर्जरी और फीमेल टू मेल सेक्सुअली असाइनमेंट सर्जरी हम करते हैं। हमारे जो सर्जन है वो है डॉक्टर सुमित जायसवाल और मैं जेनिथ क्लिनिक इंदौर से बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे साथ में एक और पेशेंट है जिनका अभी रिसेंट में हमने मेल टू फीमेल सेक्सुअल सर्जरी किया है, जिसमें हमने पेरिटोनियम पुल थ्रू वजाइनोप्लास्टी सर्जरी किया है। तो जो पेशेंट है उनकी उम्र है 31 और ये हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र से आए हैं। तो चलिए हम उनसे इस सर्जरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं, जानते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम की फेस करना पड़ा या अभी तक उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए वैसे सर्जरी करने के लिए? हम अमरावती महाराष्ट्र से आए। अमरावती से आए, ओके ठीक है। तो अभी जैसे आपका रिसेंट में लगभग 5-6 दिन पहले हमने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी किया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता था कि मतलब आपको सर्जरी करनी चाहिए? हमें इसीलिए लगता है क्योंकि हम बचपन से ही लड़की के जैसा फील करते हैं, ऐसा लगता है हमारे अंदर एक लड़की है। ओके हाँ, जो बचपन से ही दबी हुई है, तो उसके लिए हमने किया है। ओके, तो ये आपको ऐसा मतलब कब से महसूस होता था कि आप अंदर से एक लड़की हो? बचपन से ही, 7-8 साल से, जब से आपको मतलब चीजें समझ में आने लगी। हाँ, चीजें समझ में आने लगी और उसके भी पहले, मतलब ऐसा जब हमारे इसमें लेडीज संगीत वगैरह होता था तो मैं लेडीज को कॉपी करती थी। अच्छा, बचपन में? ओके, तो ठीक है, ये तो आपको मतलब 7-8 साल के थे तब से आपको पता है कि मुझे ऐसा सर्जरी करना है। ओके, तो आपने जैसे अपनी फैमिली को कब बताया कि आपको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपने बताया? मेरी फैमिली को मैंने अभी जस्ट बताया हुआ है। ओके, क्योंकि मुझे बीच में मेरी फैमिली वाले बहुत ज़बरदस्ती कर रहे थे कि आप शादी करो, इसलिए मैंने फैमिली वालों को भी बता दिया कि आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, मैंने बोला मैं प्योर अंदर से यही महसूस करती हूँ, लड़की जैसा महसूस करती हूँ। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको कभी प्रॉब्लम हुई आपको रियल लाइफ जीने में, मतलब जैसे आपको ऐसा फील होता है? हाँ, प्रॉब्लम बहुत हुई, बहुत सारे लोग ऐसे ही मुझे चलते फिरते पहचान लेते थे, मेरा चलना लड़कियों के जैसा था। ओके, और हाँ, इसीलिए आधे लोग ऐसे ही पहचान लेते, मेरे शॉप पे भी मुझे पहचान लिया था जहाँ मैं जॉब करता था। ओके, तो ये आपको स्कूल में कभी परेशानी ऐसी जल्दी पड़ी इससे रिलेटेड? नहीं, स्कूल में पता नहीं था। हाँ, ओके, और फिर कॉलेज के टाइम पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब आपने लोगों को पता नहीं चलने दिया। हाँ, लेकिन जैसे कॉलेज से आप बाहर आए, हाँ, आप जॉब करने लगे, तो लोगों को ऐसे समझ में आने लगा कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है। उनको तो नहीं पता था, लेकिन जैसे वो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर है या फिर किन्नर है या गे है, ऐसा जैसा कि लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसा आपको भी आइडेंटिफाई करने लगे कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है। जॉब करने का जो ऑफिस है आपका, जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई परेशानी होती है इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, मुझे बचपन से 18-20 साल तक के लोग पहचान लेते थे कि अरे ये तो गे है या बॉटम है, तो इसीलिए मैंने अपनी जो एक्टिविटीज है वो मैंने चेंज की धीरे धीरे, तो चेंज मेल के जैसी की मैंने। ओके, बट वो उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें मेरा तो मन ठीक नहीं हुआ, मैं सेटिस्फाइड नहीं था। ओके, तो इसीलिए मैंने ये सर्जरी का डिसीजन लिया कि मैं ये सर्जरी करवाऊँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि दुनिया में ऐसी चीज़ भी होती है कि मतलब जेंडर चेंज सर्जरी करा लेते हैं, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ब्रेस्ट की होती है, चेस्ट की होती है, फेस की सर्जरी भी होती है, तो ये कहाँ से पता चला आपको? ये मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो सर्च किए तो वहाँ से पता चला, और अच्छा, सर का भी नाम पता चला कि सर भी बहुत अच्छे से सर्जरी करते हैं। ओके, हाँ, और मैंने कम से कम 5-6 हॉस्पिटल से बात की थी। ओके, तो मुझे, मैंने जब सर से बात की तो मुझे सर का सही लगा, नेचर सही लगा, और मुझे ऐसा लगा कि सर अच्छे से करके दे सकते हैं, तो वो हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। और मुझे इंदौर भी पास गिरता है तो मैंने इसीलिए यहाँ पर आई। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे ये आपका जो प्रोसीजर है, सबसे पहले इसमें साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से मिलकर कंसल्ट करना रहता है, तो ये आपने कब किया था, कितने टाइम पहले किया था और कितने टाइम तक चलता रहा ये? ये 6 महीने तक चलता रहा प्रोसेस। ओके, और तब यानी उनको ये समझाना रहता है कि हम कौन है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है हमें, हम इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, ऐसा सारी चीज़ें मतलब बात करते हैं।
नॉर्मली वो जेंडर डिस्फोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं कि मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है सर्जरी कराने वाला है तो इनके अंदर डायग्नोज करते हैं या देखते हैं कि पेशेंट को जेंडर डिस्फोरिया है या नहीं है, तो इससे रिलेटेड ही आपसे भी सारे क्वेश्चन एंड आंसर अलग अलग दो डॉक्टरों से हमने इनको मिलवाया था। तो दो डॉक्टर लगभग 6 महीने तक इनकी काउंसलिंग हुई, हर 2-3 महीने में इनको बुलाते थे और उसके बाद में ही फिर इनका जो है सर्टिफिकेट दिया है कि इस व्यक्ति को जेंडर डिस्फोरिया है और ये सर्जरी के लिए और साथ साथ में हार्मोन थेरेपी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यही हुआ था आपके साथ में? राइट सर। ओके, आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कब से ले रहे हैं? हार्मोन थेरेपी हम जैसे ही 6 महीने के बाद सर ने जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट दिया था फिर 9 महीने तक चली। ओके ठीक है, मतलब आपका ये जेंडर डिस्फोरिया सर्टिफिकेट बहुत पहले मिल चुका था, 9 महीने आपको ऑलरेडी हो चुका है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको लेना है। ठीक है, अब ये बताइए कि जैसे आपकी अभी सर्जरी हुई है तो कुछ पेशेंट को बहुत डर लगता है जिनको ऐसे सर्जरी करना होता है कि मतलब पता नहीं क्या होगा, उनको डर सा महसूस रहता है, पेन ज़्यादा होगा, तो इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? जब सर्जरी हमने आपकी कर रहे थे, सर्जरी करने से पहले बेहोश किया था आपको, कुछ पता चला आपको कि ऐसा कुछ समस्या हो रही है मुझे? नहीं, ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि कोई पेन वगैरह इसमें होता है या कोई वो मन के अंदर डर रहता है पेशेंट के, और कुछ नहीं है। ओके, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। ओके ठीक है, तो हम आपको बता दें कि ये जो सर्जरी हम करते हैं तो इस सर्जरी के दौरान हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, तो उसकी वजह से पेशेंट बेहोश भी रहता है और साथ साथ में अगर हम जैसे बॉटम सर्जरी करते हैं, सेक्शन सर्जरी करते हैं, तो इसमें हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं जिसकी वजह से हम नाभि से नीचे कुछ भी अगर कोई सर्जरी करना होता है तो उसमें पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है, मतलब वो एरिया नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। तो वैसा ही इनके साथ में भी हुआ है कि हमने इनको एनेस्थीसिया दिया तो उसकी वजह से इनको कोई पेन नहीं महसूस होता है, और जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है उसके बाद में हम इनको 5 दिनों तक के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं। 5 दिनों के अंदर अंदर इनका पेन किलर एंड साथ साथ में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चलती रहती है, तो उसकी वजह से भी इनको कोई परेशानी नहीं होती है एंड 5 दिनों के बाद में पेशेंट लगभग घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी आपकी सर्जरी के लगभग 5 से 6 दिन हो चुका है, तो आज आप जाने वाले हैं? हाँ, आज डॉक्टर ने कहा है कि आपको छुट्टी दे देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा, रात को 9 बजे तक। ओके, तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, कंडीशन कैसी है, आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? मैं अभी ठीक हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता हूँ। ओके ठीक है, तो ये बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो लोग मेल टू फीमेल सर्जरी कराने वाले हैं, उनको ये प्रोसीजर में कुछ लोग इस प्रोसीजर के अंदर चल रहे हैं अभी, कुछ साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन कर रहे होंगे और कुछ लोग अपना हार्मोन थेरेपी कंटिन्यू होगा कुछ लोगों का, एंड कुछ लोग हो सकता है कि सर्जरी के लिए प्लान भी कर रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या बोलेंगे कि वो सर्जरी कराएं, डरे नहीं, क्या बोलेंगे आप उनके लिए? हाँ, मेरे हिसाब से करवा लेनी चाहिए क्योंकि हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, इन चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से अपना मन नहीं ये करना चाहिए। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे तो दूसरे बड़े बड़े ऑपरेशन है, ये एक छोटी चीज़ है। ओके, एक सामान्य लोगों का क्वेश्चन है कि जेंडर चेंज सर्जरी कराना चाहिए या फिर उनको कोई शौक है जेंडर चेंज सर्जरी कराने का, तो इसका जवाब क्या देंगे आप, मतलब जेंडर चेंज सर्जरी आपने क्यों कराई, इस वजह से कि आपको जेंडर डिस्फोरिया है? हाँ। ओके, तो पहला रीजन तो ये है कि जेंडर डिस्फोरिया है इसीलिए करवाई, नहीं तो नहीं करवाती थी। ओके, मतलब ये कि जिन लोगों का क्वेश्चन ये है कि जब वो इंटरनेट पे से जानकारी देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं या सामने उनके यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं कि कुछ लोग जो है अपना जेंडर चेंज सर्जरी करवा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग नेचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसमें आपको जानने की ये ज़रूरत है कि पहले आप थोड़ा रिसर्च करें कि जेंडर डिस्फोरिया एक्चुअल में क्या होता है, इसमें जिस व्यक्ति को जेंडर डिस्फोरिया होता है उसके साथ में कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है, तब जाके वो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है कि उनको अपना जो है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा लेना चाहिए, जिससे कि जैसा वो फील कर रहे हैं, फीमेल के जैसा फील कर रहे हैं वैसा वाला लाइफ वो जी पाए, एक मेल से कन्वर्ट होके फीमेल बन जाए और एक फीमेल वाली ज़िंदगी जी पाए। तो मुझे ये बताइए कि क्या आप इस सर्जरी होने के बाद में आप खुश हैं?
हाँ बिल्कुल खुश है ओके। और अब कैसा लग रहा है आपको? अभी, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेन बात तो मुझे खुशी है अपने, मतलब मैं जो चाहते थे वो आपको। हाँ वो मुझे मिला, इसकी बहुत खुशी है मुझे।